हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों के सामने एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है घोस्ट हाउस। यह मूवी 2017 में रिलीज़ की गई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बैंकॉक थाईलैंड का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की किसी से डरकर भाग रही होती। दरअसल उसके पीछे एक चुड़ैल का साया होता है और वो चुड़ैल आखिरकार उस लड़की को पकड़ ही लेती है। फिर हमें एक कपल जूली और जिम दिखाए जाते हैं, जो कि वेकेशन के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें एक ड्राइवर गोगो मिलता है, जो उन्हें अपनी टैक्सी में लेकर एक होटल तक ले जाता है। गोगो कहता है कि आप चाहें तो मैं आपको ये शहर घुमा सकता हूँ। तभी जूली की नज़र एक छोटे से हाउस पर पड़ती है। जूली के पूछने पर गोगो बताता है कि यह एक घोस्ट हाउस है और इसे ऑफरिंग्स देने से यह गांव के लोगों को परेशान नहीं करते। जूली को फोटोग्राफी का शौक है, इसलिए वो शहर की हर एक चीज़ की फ़ोटो खींचती है जो उसे पसंद आती है। गोगो शहर की तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है, तभी जूली की नज़र एक घोस्ट हाउस पर पड़ती है। तो जूली उसकी पिक निकालने के लिए गोगो को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और उसके पास जाती है। उस घोस्ट हाउस में उसे एक गुड़िया नज़र आती है। जूली उसको ध्यान से देख रही होती, तभी एक अंधी लड़की आकर उससे टकरा जाती है और फिर वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। जूली और जिम जब लंच कर रहे होते हैं, तभी जिम जूली को प्रपोज करता है और जूली हाँ कह देती है। इसके बाद गोगो उन लोगों को वापस होटल छोड़ देता है और अपना कार्ड देता है। वो दोनों जब होटल के अंदर आते हैं, तो उन्हें बिल और रॉबर्ट मिलते हैं, जो उनसे कहते हैं कि आप चाहें तो मैं आपको शहर घुमा सकता हूँ। इसके बाद वो लोग शहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब वो लोग एक क्लब के बाहर बैठे होते हैं। जूली यहाँ बालों पर एक रिबन बांधे हुए है। अब इन चारों में थोड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो लोग वापस होटल की तरफ आते हैं, तो रास्ते में जिम के हाथ से कुछ कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं। इस पर वहाँ नीचे बैठे हुए लोग कहते हैं कि कॉइन्स गिरना अच्छा नहीं होता, अब तुम्हारी एक उंगली कटेगी। जिम इस बात को इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। अब जिम और रोबोट एक ड्रिंक लेने जाते हैं, इसलिए जूली और बिल वहीं बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में बिल जूली का रिबन निकलवा देता है। रोबोट जिम के वापस आने पर रोबोट जूली से कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट हाउस हैं, अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ तुम्हें ले जा सकता हूँ, वहाँ तुम बहुत सारी पिक्स निकाल सकती हो। इसके बाद कोई जूली का रिबन लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ विल रोबोट से कहता है कि जूली अच्छी लड़की है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वो चारों वहाँ से उस घोस्ट वाली जगह पर जाने लगते हैं। रोबोट कहता है कि वह जगह यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, इसलिए वो लोग रात में ही वहाँ निकल जाते हैं। सुबह के समय वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट हाउस हैं। अब जूली उन घोस्ट हाउस की पिक निकालने लगती है, तभी हम देखते हैं कि रोबोट और बिल एक घोस्ट हाउस के पास गए हैं और उसमें से एक गुड़िया निकाल कर जूली का स्कार्फ उसमें बांध देते हैं। जिम जूली को उन लोगों से दूर रहने के लिए कहता है, इसलिए जूली गुस्से में अपनी रिंग वापस जिम को फेंक कर दे देती है और फिर वो रोबोट और बिल के पास जाकर पिक्स निकालने लगती है। जिम जूली को किसी भी चीज़ को छूने के लिए मना करता है, लेकिन जूली उसकी बात को इग्नोर करती है और वह रॉबर्ट के साथ साथ उस गेस्ट हाउस तक पहुंच जाती है। रॉबर्ट और बिल जूली को उस घोस्ट हाउस में रखी गुड़िया को छूने के लिए कहते हैं। जूली के उस गुड़िया को छूते ही बिल और रॉबर्ट वहाँ से भाग जाते हैं। जिम उनके पीछे पीछे जाता है। तभी जूली को कुछ अजीब सा महसूस होता है और एक तेज हवा आती है। जब वह घोस्ट हाउस के ऊपर देखती है, तो वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिससे वह डर जाती है। या बिल गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब जिम उठकर वापस जूली के पास आता है, तो वो देखता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और वो अपने होश हवास में नहीं है। यहाँ गोगो उन लोगों के होटल के सामने आकर उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है। जिम जूली को लेकर एक सेफ जगह आ जाता है और फिर वो गोगो का कॉल रिसीव करता है और अपनी लोकेशन बताता है। तभी जूली को एक विज़न आता है, जिसमें एक हाथी पर बैठकर कोई आदमी उन पर हमला करने वाला है। यह देखकर जूली चिल्लाने लगती है। फिर जिम उसे लेकर रोड पर आ जाता है, लेकिन अब उसे विज़न ही विज़न दिखाई दे रहे हैं। जूली की हालत बहुत ख़राब होती है, इसलिए गोगो उसे लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ एक लेडी उसे देख रही होती है।
उस लेडी को जूली के मुंह में एक आंख नजर आती है, जिससे वह बहुत तेज डर जाती है और ये कहती है कि इस लड़की पर वाटर स्पिरिट की साया है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं। जिम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तब गोगो उसे बाहर ले जाकर पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक औरत रहा करती थी, जो कि जापान से थाईलैंड एक लड़के के प्यार में आई थी। वो उस लड़की से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसने अपने पति को नौकरानी के साथ देख लिया। इस वजह से उसने पूरे घर में आग लगा दी, लेकिन उसका हस्बैंड और वो नौकरानी तो बच गए, लेकिन वह औरत जल के मर गई। तब से ही कहते हैं कि वह खूबसूरत और जवान लड़कियों को जान से मारती है। थाई लोग उस स्पिरिट को बाटा नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो एक हैप्पी नहीं बल्कि गुस्से वाली स्पिरिट है। थाई लोग उसके घोस्ट हाउस को जंगल में रखते हैं। कोई उसकी चीज़ों को नहीं छूता, अगर कोई छू ले तो वो उसके पीछे पड़ जाती है और उसकी स्पिरिट को लेकर चली जाती है। अब यहाँ मंक आता है, जो जूली को बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ता है, लेकिन जिम को इन सब बातों पे कोई भरोसा नहीं था, इसलिए वो अंदर चला जाता है, लेकिन गोगो उसको लेकर वापस बाहर आ जाता है। यहाँ मंक पूरे परिवार के साथ मंत्र पढ़ रहा होता है। जिम बहुत परेशान होता है जूली को लेकर। रात को जूली को एक सपना दिखाई देता है, जिसमें उसे वही औरत नजर आती है और फिर जूली की नींद खुल जाती है। सुबह जब जिम जूली के पास आता है तो वो बिल्कुल ठीक होती है। इसके बाद वो लोग सभी को थैंक यू बोलकर वहाँ से वापस होटल रूम आ जाते हैं। जूली बताती है कि मुझे हर समय एक बूढ़ी औरत दिखाई देती थी, जो मेरी स्पिरिट को लेने आई थी। इसके बाद वो लोग रूम में आ जाते हैं। बातों ही बातों में जूली अपने हाथ में बंधी सभी मालाओं को उतार कर एक जगह पर रख देती है। रात के समय जिम के ऊपर जूली को वही स्पिरिट फिर से दिखाई देती है, लेकिन वो जिम को इसके बारे में कुछ नहीं बताती और वो जिम को टैबलेट लेने के लिए नीचे भेज देती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। यहाँ जूली नहा रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास है और फिर वो घबरा कर बाहर आ जाती है। अब जूली कैमरे में पिक्चर्स को देख रही होती है, जिसमें एक पिक्चर में वो तुरंत की दिखी हुई पिक्चर दिखाई देती है। साथ ही उसे पीछे एक औरत भी दिखाई देती है, इससे वह पूरी तरीके से डर जाती है। तभी होटल की लाइट बंद हो जाती है और फिर जूली एक टॉर्च की सहायता से आसपास देखने लगती है और बाहर निकल आती है। अब ये पूरा होटल एक घोस्ट हाउस में बदल रहा है और उसे सामने एक जलता हुआ घर दिखाई देता है, जिससे वह और भी ज़्यादा डरने लगती है। तभी उसे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। इतने में वहाँ लाइट आ जाती है और जिम भी वहीं आ जाता है, लेकिन अब जूली को हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक भूतिया घर ही दिखाई दे रहा होता है। जिम उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है, जहाँ डॉक्टर उसे सोने का इंजेक्शन दे देती है और फिर वो जिम को बताती है कि इससे पहले एक लड़की और यहाँ थी, जिसको भी सेम यही प्रॉब्लम थी, लेकिन आज सुबह ही वो डिस्चार्ज हुई है और वो अब बिल्कुल ठीक थी। इससे जिम समझ जाता है कि यह जरूर रॉबर्ट और बिल के साथ आई वाली लड़की ही होगी। और इसके बाद वो रॉबर्ट और बिल को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट जाता है, जहां उसे बिल नज़र आ जाता है। वह भागकर उसके पास जाता है तो उसे वो तीनों भी दिख जाते हैं। और जिम रॉबर्ट को मारता है और कहता है कि तुमने मेरी जूली के साथ क्या किया है। इस पर बिल उसे एक एड्रेस देता है और ये कहता है कि तुम इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ पर तुम्हें रेनो मिलेगा जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जिम भागकर उस एड्रेस पर पहुँचता है। वह बहुत ही अजीब जगह होती है और फिर वो जिम को रेनो के पास जाने का सही रास्ता बताता है। रास्ते में उसे कई अजीब तरह के लोग दिखते हैं और फिर वो जैसे तैसे रेनो के पास पहुँच जाता है। जिम रेनो को जूली की पूरी कंडीशन बताता है। इस पर रेनो बाकी सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कह देता है। रेनो जिम से कहता है कि जूली ने उस आत्मा की घोस्ट हाउस को छेड़ा है, इसलिए वो आसानी से नहीं जाएगी। तब जिम कहता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता होगा। इस पर रेनो कहता है कि तुम्हें उस स्पिरिट को किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र करना होगा, इससे वो जूली का पीछा छोड़ देगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जूली को बचाने का। इस पर जिम तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें जूली दिखाई जाती है, जिसके पास अभी भी वो स्पिरिट घूम रही होती है। उसे देखकर जूली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जिम आ जाता है और फिर नर्स आकर एक इंजेक्शन लगाकर जूली को सुला देती है। अब जिम एक लड़की को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे एक होटल में
एक कपल दिखाई देता है। बातों ही बातों में वो लेडी अपना स्कार्फ उतार कर टेबल पर रख देती है। जिम मौका पाकर उस स्कार्फ को उठाकर अपने पास रख लेता है, लेकिन वो किसी भी और लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता और आखिरकार वो उसको स्कार्फ वापस कर देता है। और फिर वो कुछ दवाइयाँ लेने के लिए वापस हॉस्पिटल जाता है और दवाइयाँ लेकर जूली के पास जाता है। और फिर गोगो के साथ जूली को लेकर वो लोग रेनो के पास जाते हैं, जहाँ जाकर जिम रेनो पर बंदूक को तानते हुए कहता है कि तुम मुझे कोई और रास्ता बताओ, मैं किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तब रेनो कहता है कि फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन दो दिन बीत चुके हैं, इसलिए जूली को बचाने के लिए अब सिर्फ एक ही दिन बाकी है। रेनो उन्हें एक एड्रेस देता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ जाकर उस लेडी से मिलना है, वही तुम्हारी हेल्प कर सकती है। जिम एड्रेस के साथ साथ रेनो को भी अपनी वैन में बिठा लेता है और फिर वो तीनों उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जूली की तबीयत और भी ख़राब होने लगती है और उसे एक सीन में वही चुड़ैल वापस दिखाई देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तब जिम उसे एक इंजेक्शन देके वापस सुला देता है। रास्ते में उन्हें एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है। इस पर गोगो, रेनो और जिम बाहर निकलकर वहां देखने लगते हैं, जहां कई सारी डेड बॉडीज होती हैं। तभी जूली को एक डेड बॉडी उठकर अपने पास आती हुई दिखती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और वैन से उतरकर जंगल में भागने लगती है। तभी वो चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है। जिम भी उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। रेनो बताता है कि अब इसके पास बहुत ही कम समय है, हमें जल्दी उस लेडी के पास जाना होगा। अब वो लोग जूली को लेकर उस लेडी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक रिवर पार करनी होती है, जिसके लिए वो एक नाव लेते हैं। उस रिवर पर और कोई भी नहीं होता। तब रेनो बताता है कि कहते हैं कि इस रिवर के नीचे स्पिरिट्स की दुनिया है, इसलिए इस रिवर पर कोई भी आना पसंद नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि उनकी बोट अचानक से बंद पड़ जाती है और फिर हम देखते हैं कि रिवर में से कोई बाहर निकल रहा है और फिर वो जूली की सॉल को अपने साथ ले जाना चाहता है। तभी बोट चालू हो जाती है और वो लोग जैसे तैसे करके रिवर को पार कर लेते हैं। अब वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जो एक अजीब सी जगह है। रेनो उनसे कहता है कि टाइम बहुत कम है, इसलिए तुम्हें जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना होगा। अब वो लोग जूली को लेकर अंदर पहुँच जाते हैं। गोगो अपनी भाषा में कुछ बोलता है। तब वो लेडी कहती है कि हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इसने खुद घोस्ट हाउस की चीज़ों को छुआ है। इस पर जिम कहता है कि हमें फंसाया गया है। तब लेडी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इसके लिए अपनी कोई खास चीज़ को देना होगा। तब जिम अपनी अंगूठी निकालकर उन्हें देता है। वो लेडी अंगूठी को देखकर कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ और देना होगा। जिम कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर वो लेडी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो लेडी कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है, इससे जूली बहुत जोर से तड़पने लगती है और फिर उसके शरीर से वो आत्मा बाहर निकलती है और फिर वो अब सामने सभी के नज़र आने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो स्पिरिट सब पर हमला करने लगती है। वो स्पिरिट बहुत ही पावरफुल होती है, इसलिए गोगो जिम से कहता है कि तुम्हें अपनी एक उंगली काट के उन्हें चढ़ानी होगी। और फिर वो चाकू लेकर जिम के पास जाने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। लेकिन फिर भी गोगो कैसे भी करके वो चाकू जिम की तरफ फेंक देता है और जिम जैसे ही अपनी उंगली काटता है वो औरत वहाँ से भागने लगती है और आखिरकार वो जूली को पीछे छोड़ देती है। इसके बाद हमें जूली दिखाई जाती है, जो कि अब बिल्कुल ठीक है, और फिर जिम उसे लेकर बाहर आ जाता है और फिर वो रेनो के साथ वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब जिम और जूली अब वापस जा रहे होते हैं, तब वो गोगो को गले लगाते हैं और हमें दूसरा कपल दिखाया जाता है जो उसी घोस्ट हाउस को देख रहा होता है। मतलब आगे इनकी कहानी है। मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस लाती रहूँगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी।